ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया पर पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ ही लोग बिजली कटौती और बिजली के लंबे चौड़े बिल से परेशान हैं। ऐसे में लखनऊ में एक पर्यावरणविद ने सौर्य ऊर्जा का बेहतर प्रयोग कर और लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। ये है लखनऊ के एक कॉलेज के डायरेक्टर और पर्यावरणविद प्रोफेसर भरत राज सिंह। भरत राज सिंह ने पर्यावरण बचाने की एक शुभ पहल करते हुए अपने घर में 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाया है, जिससे न सिर्फ ज्यादा बिजली पैदा हो रही है बल्कि बिजली के बिल में भी भारी कटौती हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये योजना और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। साल भर पहले उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यूपी में रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड सिस्टम लागू किए। इसके जरिए कोई भी उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकता है। अगर आपने बिजली का इस्तेमाल अपनी जरूरत से ज्यादा किया है तो आप सरकार को पैसे देंगे, लेकिन आपका इस्तेमाल कम है, आप न सिर्फ सरकार को बिजली देंगे बल्कि उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। इसी योजना के तहत प्रोफेसर भरत राज सिंह ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं। इस एनर्जी को जो नेचर ने दे रखी है उसी को उपयोग कर लें तो हमारा दो उसमें फायदा होता है, जनता के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। कि एक तो ये है कि बिजली की हमारी जनरेशन सीधे इससे मिल जाएगी तो कोयला नहीं जलाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के आने वाले जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। प्रोफेसर भरत राज सिंह ने लगभग 4 लाख रुपए खर्च कर दिसंबर में पूरा प्लांट लगाया है और जनवरी के आखिर में इससे बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया। फिलहाल उनके घर में नेट मॉनिटरिंग के लिए मीटर भी लगा हुआ है। रोजाना लगभग 35 से 40 यूनिट बिजली ग्रिड को जा रही है। उनकी खपत 15 से 20 यूनिट की है। हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारी बिल 2000 से 3000 आती थी, जो जाड़े और इसमें गर्मी में कभी कभी 7000 भी आ जाती है, तो अगर हमने एसी यूज़ कर लिया दो तो वो हम 4 महीने से इसको उपयोग कर रहे हैं जनवरी से। अभी स्थिति ये है कि हमारा ही क्रेडिट है। सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी को बिजली में बदला जाता है। इसके लिए पैनल को ऐसी जगह रखा जाता है जहां सूरज की सीधी रोशनी आती हो। हमारे देश में सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज 250 से 300 दिन निकलता है। बिजली के मुकाबले सौर ऊर्जा काफी सस्ती पड़ती है। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली 4.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है। 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट रखा गया है, लेकिन फिलहाल भारत में सौर ऊर्जा से 5,248 मेगावाट बिजली ही मिल रही है, यानी करीब 5 गीगावाट। भारत में बिजली की सालाना जरूरत 10,68,923 यूनिट है, लेकिन ये जरूरत पूरी नहीं हो पाती। सौर ऊर्जा से बिजली की ये कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 15% और यूपी सरकार 30% तक की सब्सिडी दे रही है। हालांकि उपभोक्ता को ही पूरा पेमेंट करना होगा, बाद में सब्सिडी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। कुल मिलाकर उपभोक्ता की लागत कुछ ही साल में बिजली बेचकर निकल आएगी और ये सोलर पैनल फायदेमंद साबित होंगे। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा उपयोग न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा बल्कि हमारे बिजली के बिल को भी नियंत्रित रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।